आज? बापूजी, मम्मी जी, बड़ी माँ। लेटी रहो बहू, हम यहाँ तुम्हें बधाइयाँ और आशीर्वाद देने आए हैं। मेनका, पुत्रवती भव। अरे पवित्रा, तुम हमें एक और नए रिश्ते में बांध रही। जीती रहो। तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हारी और युवराज की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। बेटा, अब तुम आराम करो, अपना ध्यान रखो, हम चलते हैं। चलिए, इसी खुशी के मौके पर हम सब आज रात डिनर के लिए चलते हैं। पवित्रा को तो डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन हम सब तो चल सकते हैं। वन फ्रेंच फ्राइज और वन बर्गर, भिंडी, समोसे, पालक पनीर। बेन, मुझे एक पिज्जा चाहिए। हाँ हल्की बेन, हम सबके हिसाब से ऑर्डर कीजिए ना, ना कि रेस्टोरेंट में बैठे सब लोगों के लिए। वकील साहब, आप लोग खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आया। हाँ वकील साहब, क्या हुआ, बात कुछ आगे बढ़ी? दूसरी पार्टी आपसे मिलकर बात करने के लिए तैयार हो गई है। ओह वेरी गुड, लेकिन इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ फूड वर्ल्ड रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आया हूँ। आप एक काम कीजिए, आप उनको यहीं ले आइए, यहीं बैठकर बातें तय करते हैं। मैं दूसरी पार्टी से बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनको वहाँ लाने की। थैंक यू। यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं, लेकिन अब पता लगाना पड़ेगा। कुछ चाहिए? माँ, हम अभी आते हैं। करण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक आ गए? यही बात मैं आपसे कह सकता हूँ, मिस लक्ष्मी। लिसन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। लक्ष्मी, मैं तो बापूजी। कौन पीछा कर रहा है तुम्हारा? करण, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से यहाँ पे कोई तमाशा खड़ा हो। जाओ। लेकिन मैंने। लक्ष्मी, कौन है ये आदमी? बापूजी, हमारी मुलाकात पंचगनी में हुई थी और मेरा पीछा करते करते ये यहाँ भी आ गया। यहाँ भी आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरोड़िया खानदान की बेटी की तरफ नजर उठाकर देखने की? बदतमीजी करते हो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। अच्छी तरह समझता हो तुम जैसे लड़कों की नियत को। चले जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरी बेटी की तरफ नजर उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, इसे तो मैं ही देख लूंगा। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का पीछा करने की? गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे मैं यहाँ पे तो दोबारा यहाँ नजर आया ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा। अरे मैं यहाँ पे अपने। जाओ। पापा, मैं इसे बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। चले आप। चलो तुम लोग वहां चलो। चलो, मेरी बात तो सुनो।
सूर्यकांत जी। अरे एक मिनट। वकील साहब क्या हुआ, कहाँ है वो? सूर्यकांत जी, बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने उन्हें। वो तो कोई समझौता करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी सिर्फ एक बार आपसे मिलकर बात करने के लिए तैयार किया है मैंने। वो सब मैं संभालूंगा, आप ये बताइए वो कहाँ है। हाँ वो देखिए, वो आ रहे हैं। कांजी, यही है मिस्टर करण। बहुत खास रिक्वेस्ट पर ये यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने आए हैं। अंकल मैं समझ सकता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। वहां पर आप सब लोगों को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपकी बेटी के पीछे नहीं आया, बल्कि मैं एक मीटिंग अटेंड करने आया। वो वहाँ जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ मिस्टर करण। नो अंकल, आप सिर्फ मुझे करण बुलाइए। देखो करण, नीलकांत रोड पर जो एक बड़ा सा प्लॉट है जो अभी भी डिस्प्यूट में है, जिस पर केस चल रहा है, बात यह है कि उस प्लॉट पर एक फैक्ट्री मैं बनाना चाहता हूँ जो मैंने अपने नवासी के नाम पहले ही कर दी है। मुझे वो प्लॉट हर हालत में चाहिए। पर मैं उसमें आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो केस में हार गया। आई सी। हम आमने सामने बैठकर कोई हल ढूंढ सकें तो। पर उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है सूर्यकांत जी। वही तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, वकील साहब प्रॉपर्टी के पेपर दीजिए। जी समझे, प्रॉपर्टी आपकी नवासी के नाम हो गई। हे भगवान, आखिर सारी मेहनत के बाद भी प्रॉपर्टी युवराज के बजाय सरस्वती के बच्चे के नाम चली गई। अब तो कुछ जल्द से जल्द करना होगा। समझ में नहीं आ रहा है किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपका ये उपकार मुझ पर उधार रहा। पर अंकल, एक शर्त पे प्रॉपर्टी आपके नवासी के नाम हो सकती है। कैसी शर्त?
आप लोगों को मुझे परमिशन देनी होगी कि मैं आप सबके साथ बैठ के डिनर कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। मैंने आपको डिनर के लिए इनवाइट तक नहीं किया। आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। आइए 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 ना, आइए हमारे साथ बैठिए। फुल्की, कैसी लग रही हो? आज मेरी गोद भराई की रस्म जो है, सब घर वालों का, सब मेहमानों का ध्यान मुझ पर है। तुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। नैना बहन, हल्की कितनी खुश लग रही है आज। हाँ गायत्री बहन, खुश तो ये होगी ही। इतने सालों बाद आज पहली बार मेरी बहू की सुनी गोद जो भर गई है। बिल्कुल नैना बहन, कितनी खुशी की बात है कि आज गरुड़िया खानदान में तीन तीन औरतें मां बनने वाली हैं। सारी एक दूसरे की खुशियां बांटेंगी। गरुड़िया खानदान के आंगन में पोते पड़पोते खेलेंगे और देखना, जमकर दौड़ होगी इन तीनों बेटों में। पर जीतेगा तो मेरी बहू का बेटा ही। दौड़ तो जरूर होगी, लेकिन बा सिर्फ दो बेटों में, क्योंकि सरस्वती तो बेटी को ही जन्म देगी ना। हल्की बहन, बेटी तो देवी का रूप होती है, साक्षात लक्ष्मी। उसके जन्म पे तो खुशियां मनानी चाहिए। और हल्की बुआ, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। राजमाता, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए आइए। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। क्या बात है, आज तो ऐसी सजावट की है कि गरुड़िया निवास खुशियों और रोशनी से चमक उठा है। चमकना ही चाहिए राजमाता। आज गरुड़िया निवास में त्योहार जो है, हमारी हल्की की गोद भराई है आज। पंडित जी शुरू कीजिए रसम। पवित्रा बेटा ये लो। राजमाता, ये कैसे पेपर्स हैं? बेटा ये हमारे राजमहल और हमारी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है।
आखिर तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। राजमाता, ये आप क्या कर रही हैं? पवित्रा के आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग हैं ना? मेनका जी, आप लोग तो हैं, पर मेरे नाती के प्रति मेरी कोई जवाबदारी है? राजमाता, हमारे पड़पोते के प्रति हमारी जो जवाबदारी है उसे हमें निभा दे दीजिए। आप जायदाद उसके नाम करके हमें शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं बा, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? जैसे सूर्यकांत जी ने अपने नाती के लिए, सरस्वती के होने वाले बच्चे के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, हमें लगा कि हमें भी अपनी नाती के लिए ऐसा ही कोई कदम उठाना चाहिए। बा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पवित्रा और युवराज गरुड़िया निवास में बहुत खुश रहेंगे। हमें तो अपने होने वाली नाती की चिंता है, इसलिए हमें मत रोकिए, हमें ये कर लेने दीजिए। ये लो बेटा। राजमाता का सोचना तो उनकी जगह बिल्कुल सही है, पर हमें भी युवराज के आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्या करूं मैं? सुनिए, आज जो भी राजमाता ने किया वो बात मुझे गलत नहीं लगी। अगर सोचा जाए तो राजमाता अपनी जगह बिल्कुल सही है। आपने भी तो सरस्वती के आने वाले बच्चे के नाम फैक्ट्री करके उसका आने वाला भविष्य सुरक्षित कर दिया है, पर अब युवराज भी बाप बनने वाला है, उसके सिर भी एक और जिम्मेदारी आने वाली है। आपको नहीं लगता कि युवराज के आने वाले बच्चे के बारे में हमें भी सोचना चाहिए? मुझे लगता है आपको वो फैक्ट्री युवराज के आने वाले बच्चे के नाम ट्रांसफर कर देनी चाहिए। तुम क्या कह रहे हो मेनका? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं इसलिए ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि हमने क्षितिज को बहुत अच्छी नौकरी दी है और ऊपर से अच्छी तनख्वाह भी दे रहे हैं ताकि वो अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभाल सके। पर युवराज, पवित्र और उसके आने वाले बच्चे का क्या? आपने सरस्वती और क्षितिज के लिए काफी कुछ किया है, क्या आपने एक बार भी अपने बेटे युवराज के भविष्य के बारे में सोचा है? युवराज की तरफ, उसके आने वाले बच्चे की तरफ हमारी भी तो कोई जवाबदारी बनती है, इसके बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा? आखिर युवराज हमारे आने वाली पीढ़ी है और अब वक्त आ गया है, उसे उसका हक सौंपा जाना चाहिए। गरोड़िया खानदान के एक लौते वारिस को उसका वारसा सौंपा जाए। जैसे राजमाता ने पवित्रा के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी, वैसे ही हमें अपनी सारी जायदाद युवराज के नाम कर देनी चाहिए। वाह सासु, अनजाने में आप मेरी ही वकालत कर रही हैं। सारी चाल एक के बाद एक सही पड़ रही है। आखिर सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में, यानी युवराज के पास आ ही गए। बस अब आगे देखना है कि होता है क्या। जैसे आपने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। सिर्फ मेरे प्रेग्नेंट होने का नाटक करने की देरी थी। यहाँ पर आपने मेरे हाथ में पेपर्स रखे और वहाँ पर सारी जायदाद युवराज के नाम हो गए। चलो अच्छा हुआ, अब जब युवराज उस जायदाद का मालिक बन गया है तो तुम्हें भी उस जायदाद की मालकिन बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा रसीली भाई, अगर आपके प्लान्स इसी तरह कामयाब होते रहे ना तो देख लेना,
गरोड़िया परिवार की सारी जायदाद अब हमसे दूर नहीं। वैसे मेरी प्रेगनेंसी का ये झूठा नाटक भी तो आप ही का था ना? सब फंस गए इस प्लान में। वैसे एक बात है रसीली भाई, करोड़िया परिवार में सबको बेवकूफ बनाना या धोखा देना कितना आसान है। इतना बड़ा धोखा पवित्रा हमें बर्बाद करना चाहती है। कुछ करना होगा उसे अपने इरादों में नाकामयाब करने के लिए। इस साजिश के बारे में मुझे सबको बताना होगा।